अगर आप छोटे पैकेज से मिलन ट्रैक के बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप कितना ही कमा लोगे महीने का, 10 से लेके 15,000 रुपए, है ना। लेकिन देखो ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, अभी के टाइम पर मिलन ट्रैक में जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है एंड जो भी बंदा महीने का 50,000 से लेके 1,00,000 रुपए अर्न कर रहा है, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बड़े पैकेज से स्टार्ट करा है अपनी जर्नी को, तो ही तो इतनी अच्छी खासी इनकम कर पा रहे हैं। अब देखो यार, एग्जाम्पल के लिए आप मुझे ही ले लो यार, मैंने खुद एक बड़े पैकेज से स्टार्ट करा था जो कि है डेटा साइंस, और पिछले एक साल के अंदर मैंने यार 8,00,000 से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट कर लिया हुआ है, और अभी मैं महीने का इजिली यार 50,000 से लेके 1,00,000 रुपये कमा पा रहा हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं बड़े पैकेजेस में से एक बड़े पैकेज के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि है फाइनेंस मास्टरी, कि एग्जैक्टली अगर आप फाइनेंस मास्टरी से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आपको ये पैकेज कितने रुपए का पड़ने वाला है, इस पैकेज के अंदर आपको कौन कौन से स्किल्स सिखाए जाते हैं, अगर आप एक सेलिंग करते हो सेम फाइनेंस मास्टरी पैकेज को तो आपको उसमें एक्टिव कमीशन कितना मिल जाता है एंड पैसिव कमीशन कितना मिल जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आपको इस पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, इसका भी डाउट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। एंड अगर आप मुझसे स्टार्ट करते हो फाइनेंस मास्टरी पैकेज के साथ तो आपको कैसे मेरी तरफ से 300 रुपये का डिस्काउंट एंड 400 रुपये की फर्स्ट अर्निंग बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, लेकिन ये कैसे आपको मिलेगा, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, आप सब कुछ जान जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस पैकेज के प्राइस के बारे में। सो अगर आप अपनी जर्नी को फाइनेंस मास्टरी से स्टार्ट करना चाहते हो तो इसका एक्चुअल प्राइस आपको पड़ने वाला है 8,260 रुपये, लेकिन अगर आप मुझसे स्टार्ट करते हो तो आप सभी जानते हो आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से 300 रुपये का डिस्काउंट, तो 300 रुपये अगर मैं हटा दूं तो ये आपको पड़ने वाला है 7,960 रुपये का, 300 का डिस्काउंट मेरी तरफ से। लेकिन क्या आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, आपको कैसे मिलेगा ये डिस्काउंट, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, मैं एंड में बता दूंगा। अब अपने प्राइस तो जान लिया, अब ये जान लो कि इसके अंदर आपको स्किल कौन से सिखाए जाते हैं, आप कौन से स्किल सीख सकते हो। तो यहाँ पर आप दो स्किल सीख सकते हो, सबसे पहले स्किल आपका आ गया स्टॉक मार्केटिंग एंड दूसरा आ गया ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये जो दोनों स्किल है ना, ये दोनों स्किल अभी के टाइम पर बहुत ही हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं एंड काफ़ी लोग इन स्किल्स को सीख के बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों स्किल्स को आराम से सीख सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कहीं यार ये जो स्किल्स है, ये जो वीडियोस हैं, हमें इंग्लिश में तो नहीं मिलेगी, अगर इंग्लिश में होगा तो हम समझेंगे कैसे। तो डोंट वरी गाइस, ये सभी वीडियोस आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेगी, हिंदी लैंग्वेज में, ताकि आप आराम से हिंदी लैंग्वेज में इन वीडियोस को देख सको, वहां से स्किल्स को सीख सको और इन स्किल्स के थ्रू पैसे कमा सको। अब बात करते हैं कि यार अगर आप इसी सेम पैकेज यानी फाइनेंस मास्टरी वाले पैकेज को सेल करते हो तो इसमें आपको कितना एक्टिव कमीशन एंड पैसिव कमीशन मिल जाता है। तो देखो, अगर आप इसी सेम पैकेज यानी फाइनेंस मास्टरी वाले पैकेज को सेल करते हो तो इसमें आपको 6,000 रुपये का डायरेक्ट इनकम मतलब एक्टिव कमीशन मिल जाता है, और इसमें जो पैसिव कमीशन वो है 600 रुपये का, ठीक है। तो मान के चलो अगर आप महीने का सिर्फ 3 फाइनेंस मास्टरी भी सेल करते हो ना, तो 6,000 रुपये के हिसाब से कितना बन जाएगा आपका महीने का 18,000 रुपये, एंड अगर आप 5 सेल करते हो तो कितना बन जाएगा आपका 30,000 रुपये। तो अब जरूरी तो ना कि आप सिर्फ फाइनेंस मास्टरी ही सेल करते रहोगे, अब छोटे वाले पैकेजेस भी तो है ना भाई, ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी हो गया, तो इन सभी छोटे पैकेजेस को सेल करके आपका आ जाके महीने का 50,000 रुपये तो आराम से ही बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में भाई आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं कि यार क्या आपको इस पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या आपके लिए पैकेज वर्थ इट होने वाला है या फिर नहीं। तो देखो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं आपको 2 पॉइंट्स में देने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि देखो, अगर आप बड़े पैकेज से स्टार्ट करोगे ना, तो बड़े पैकेज में आपको पर्सनल गाइडेंस, आपको पर्सनल मेंटरशिप बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि देखो यहां पर मैक्सिमम लोग बड़े पैकेज में ही पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, अगर आप स्टार्ट कर लेते हो, ऐसा तो नहीं है कि यार स्टार्ट करने के बाद खुद से सब कुछ सीख जाओगे, खुद से अर्निंग करने लग जाओगे, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना जो आपको गाइडेंस दे अपनी, कि कैसे क्या करना है, कैसे बिजनेस को समझना है, कैसे कस्टमर्स को जनरेट करना है, कैसे सेलिंग की जाती है और कैसे आपने अर्न करना है, ठीक है। कोई होगा तो ही तो समझ पाओगे ना, इसीलिए मैक्सिमम लोग मिलन ट्रैक में अगर आप बड़े पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आपको उनकी पर्सनल गाइडेंस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जो कि बहुत जरूरी होती है। दूसरा पॉइंट ये कि भाई देखो, हमें हमेशा बड़े पैकेज से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो मान के चलो अगर आपने छोटे पैकेज से स्टार्ट किया, छोटे पैकेज में ऐसे भी अर्निंग नहीं होती है, ना ही आपको गाइडेंस मिलती है, तो अर्निंग कहाँ से होगी, ठीक है। तो देखो, छोटे पैकेज से स्टार्ट करने के बाद मान के चलो आप थोड़ा बहुत अर्न करने भी लग जाते हो, तो आगे जाके अगर आपको ज़्यादा अर्न करना है तो आपको पैकेज अपग्रेड करना पड़ेगा। अब आप जिस भी पैकेज में अपग्रेड करने जाओगे तो उसके लिए आपको उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका डबल डबल खर्चा हो जाता है। तो क्यों ना, अगर आप सीरियस हो, अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, तो आप बड़े पैकेज से ही स्टार्ट करो, जहाँ पर आपको 12 पैसे खर्चने की जरूरत ना पड़े, आपको आपके स्पॉन्सर की पर्सनल गाइडेंस भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आपको अच्छे स्किल सीखने को भी मिल जाएंगे, इसके नीचे जो जो भी पैकेजेस होते हैं उनके अंदर जो भी स्किल है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, और आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होगी, आपको 12 पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इसीलिए आपको हमेशा बड़े पैकेज से स्टार्ट करना चाहिए, और फाइनेंस मास्टरी सबसे बेस्ट पैकेज है स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस, अब बात करते हैं
हैं उस चीज का जिस चीज का आप बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि है कि कैसे आपको मेरी तरफ से 300 रुपए का डिस्काउंट एंड 400 रुपए की फर्स्ट अर्निंग मिलेगी अगर आप फाइनेंस मास्टर से अपनी जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट करते हो। तो देखो गाइस ध्यान से सुनना, मैंने 10 स्लॉट्स निकाले हुए हैं। पहले 10 लोग जो भी बंदा मेरे साथ फाइनेंस मास्टर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है उन सभी को मिलने वाला है 300 रुपए का डिस्काउंट एंड 400 रुपए की फर्स्ट अर्निंग। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया हुआ है स्लॉट्स कितने अवेलेबल है, तो जाके उसे चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पर क्लिक करो, अपने बेसिक डिटेल्स को एंटर करो, ईमेल सही से डालना। अगर ईमेल डालने के बाद आपको ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आता है तो आप एक दूसरा ईमेल यूज कर लेना, हो जाएगा यूज, ठीक है। उसके बाद पैकेज को सिलेक्ट करो फाइनेंस मास्टरी को एंड उसके बाद पेमेंट को डन करो। जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उसमें जाके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना पेमेंट का, ताकि आपको मैं उसी समय 300 रुपए का डिस्काउंट दे सकूं एंड आपकी 400 रुपए की फर्स्ट अर्निंग कर सकूं। इसके अलावा अगर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आपको डिस्प्ले में और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाके आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते। देरी किस बात की है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करो मेरे साथ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।